हरली को 1 करोड़ का चेक का योगदान दिया जा रहा है। सो मार्केट में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि जब भी आप होटल लेते हैं तो आपको 24 घंटे के लिए ही होटल मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा इशू था चेक इन चेकआउट टाइम। आपको रूम 10 बजे चाहिए तो अभी आपको 11-12 बजे के चेक इन है और 11 बजे चेकआउट है। अगर आपको सुबह 6 बजे आ गए हैं तो आपको 4 घंटे या तो वेट करना पड़ेगा या फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देके और रूम लेना पड़ेगा। सो एक मार्केट में बहुत बड़ा इशू था। एज वेल एज जब भी कोई स्टूडेंट दूसरी सिटी में जाते हैं सिर्फ एग्जाम देने के लिए तो उनको सिर्फ नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, चेंज करने के लिए रूम चाहिए होता है घंटे 2 घंटे के लिए। सो कोई होटल वाला इसको प्रोवाइड नहीं करता। करता भी है तो वो अच्छा खासा चार्ज लेता है, मिनिमम 1000 रुपीज उनको पे करना रहता है चाहे वो 1 घंटे के लिए इसको यूज करेगा। सर आवरली एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हमने आगे बढ़ाया है। इसको इसका ये कि आप पर आवर रूम बुक कर सकते हैं, आपको पूरे दिन 24 घंटे के लिए रूम बुक कराने जरूरत नहीं है। जब भी आप जिस भी सिटी में जा रहे हैं वहाँ जाकर आप 24 घंटे का रूम बुक नहीं करके आप आवरली बेसिस रूम बुक कर सकते हैं। जितने घंटे की आपको आवश्यकता है, जितने घंटे आप स्टे करना चाह रहे हैं, अगर आपको 4 घंटे स्टे करना है 4 घंटे के पैसे आपको देना है। और हमारा ट्रांसपेरेंटली प्राइस है 99 रुपीज़ पर आवर। सो आप 2 घंटे रूम बुक कराना है सिर्फ 200 रुपीज़ आपको पे करना है। सो ये आवरली होटल है, हमने अभी उदयपुर से स्टार्ट किया था और हम जयपुर में अभी लॉन्च कर रहे हैं आज। इसके बाद हमारे पास अहमदाबाद, गोवा, भीलवाड़ा, अजमेर जो प्रोजेक्शन अगले 3 महीने में हम जाने वाले हैं। अगले 1 साल का विजन है हमारा कि 100+ सिटीज़ के अंदर हम कवर कर लेंगे इसको।